भारत बंद का ऐलान, भारत बंद का असर गोड्डा में कितना रहा, उसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाने आए हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको फिलहाल गोड्डा के रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी जो है वो गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर है। गोड्डा पुलिस कप्तान आप देखिए कि किस तरीके से वो रेलवे स्टेशन का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके के उपद्रवियों पर खास नज़र रखी जाए। गोड्डा रेलवे स्टेशन के अलावे गोड्डा मुख्य बाजार की भी स्थिति सामान्य रही है। आज भारत बंद को लेकर बहुत कुछ असर गोड्डा के मुख्य बाजारों में नहीं देखा गया है। और ये तस्वीरें गोड्डा के कारगिल चौक की है। देखिए कि कारगिल चौक पर पुलिस की तैनाती किस तरीके से की गई है। मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस के वरीय अधिकारी और पुलिस के आईआरबी के जवान मुस्तैदी से अलग अलग चौक चौराहों पर यहाँ पर तैनात हैं, जहाँ पर कि आईआरबी के जवान, जिला पुलिस जवान तैनात हैं। गोड्डा पुलिस कप्तान नाथू सिंह मीणा ने बताया है कि जिस तरीके से पहले से ही अलर्ट मोड में प्रशासन थी, आज और सतर्क हो गई थी, क्योंकि पहले ही इन बातों का खुलासा हो चुका था कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं असर गोड्डा में देखने को मिल सकता है। लेकिन गोड्डा की स्थिति सामान्य रही है और कहीं पर भी किसी भी तरीके की परेशानी गोड्डा में आज अहले सुबह से ही देखने को नहीं मिली है और कहीं भी किसी भी तरीके की बंदी नहीं रही है। हालाँकि ये तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस कप्तान ने बताया है कि ड्रोन के माध्यम से भी जिले के अलग अलग जगहों की निगरानी रखी जाएगी। और ये तस्वीरें गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर है, जहाँ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और पुलिस अलर्ट मोड में, किसी भी तरीके की हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में। आप देखिए कि रेलवे स्टेशन का जायजा लेने जब गोड्डा पुलिस कप्तान, उनके साथ एसडीपीओ और जो आरपीएफ के जवान हैं, उसकी भी तैनाती जो है गोड्डा रेलवे स्टेशन पर आज की गई थी और भारी संख्या में आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो पूरे बाजार के अलग अलग चौक चौराहों, जिसमें से कि गोड्डा कारगिल चौक, गोड्डा बस स्टैंड के अलावा असरमणि चौक और उन तमाम जगहों पर जो कि हाईली पॉपुलेटेड जगह हैं, वहाँ पर गोड्डा पुलिस कप्तान के द्वारा जो पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी और एहतियातन की गई थी कि किसी भी तरीके का जो उपद्रव वो जिले में ना मचे और किसी भी तरीके की हताहत ना हो। क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? भारत बंद को लेकर जिला में जितने भी महत्वपूर्ण रेलवे की संपत्ति है, गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोड़ेयाड रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, सरकारी बस स्टैंड, सरकारी ऑफिस और भी अन्य जो महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थल है जो आइडेंटिफाई किए गए, सभी जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जगह हम लोग सीसीटीवी कैमरा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रख रहे हैं और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से हम सोशल मीडिया पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या लग रहा है, कितना असर है सर भारत बंदी का गोड्डा में? अभी गोड्डा में किसी तरह का कोई असर नहीं देखा गया है, सभी जगह नज़र रखी गई है। अभी कहीं पर किसी तरह का कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ है और कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल, मोहनपुर, गोड्डा, झारखंड। जी हाँ, CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर हर वर्ष बच्चे बोर्ड में 100% रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा इस स्कूल में कई और भी सुविधाएं हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल कूद, इंग्लिश स्पोकन इत्यादि। तो आप अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए आज ही नामांकन कराएं संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल, मोहनपुर, गोड्डा, झारखंड में।